रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट क्लास 12 बायो में अगर हम बात करें, आता है कि मैच्योर एम्ब्रियो सेट में कितनी सेल स्टेज होती है और कितने न्यूक्लियाई होते हैं। तो 7 सेल है, 8 न्यूक्लियाई है, लेकिन ये एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कैसे होती है, लेट्स हैव अ लुक। तो ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, इसमें आप देखिए ये एम्ब्रियो सेट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है डीजनरेटिंग एंटीपोडल सेल्स, जिनका कोई काम नहीं है। ये जब डबल फर्टिलाइजेशन के बाद सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई के साथ मेल गैमेट फ्यूज करता है, तो यहाँ बनता है PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। बाद में इससे बन जाएगा एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या होता है? रिजर्व फूड होता है दैट हेल्प्स इन सीड जर्मिनेशन, ठीक है। ये देखिए जाइगोट, ये कैसे बना था? जब फर्स्ट मेल न्यूक्लियाई फ्यूज करता है एक्सेल के साथ, सो इट विल फॉर्म अ जाइगोट। और ये है डीजनरेटिंग सिनर्जिड, भी इनका कोई काम नहीं है, ये डीजनरेटेड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यस सर, मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज करते हैं तो क्या बनता है? जाइगोट। अगेन जाइगोट में जब क्लीवेज होगी तो इट विल बिकम अ टू सेल स्टेज। टू सेल स्टेज से फिर देखिए ऊपर की सेल तो लार्ज रह जाएगी और नीचे वाली ये जो सेल आपको दिखाई दे रही है इट विल डिवाइड एंड इट विल फॉर्म अ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो, दैट इज कॉल्ड ग्लोबुलर एम्ब्रियो। बाद में ये एम्ब्रियो ये ऊपर वाली सेल्स को हम सस्पेंसर सेल्स भी बोल सकते हैं एंड इट विल टेक अ हार्ट शेप, ठीक है। तो डाइकोट में जो एम्ब्रियो रहेगा इसको हम क्या बोलते हैं? हार्ट शेप एम्ब्रियो। बाद में ये जो कॉटिलेडन है ये और डेवलप हो जाएंगे प्लूमियल पार्ट से, फिर आपको पता है क्या बनाएगी? शूट। और यहाँ पे एक रीजन रहेगा रेडिकल, उससे बाद में क्या बनेगा? रूट। और ये कॉटिलेडन है जो फ्यूचर लीफ कहलाते हैं, फ्यूचर लीफ। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में एक आपको पता है फर्स्ट फ्यूजन जब होगी मेल न्यूक्लियाई तो जाइगोट बनेगा, सेकेंड फ्यूजन से एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। ऑल द वेरी बेस्ट।